नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाड़ावारा में गौशाला का संचालन सुचारू रूप से करने की मांग। गांव नरवारा पंचायत के कीरखेड़ा गांव में गौशाला है, उसका उद्घाटन तेंदुखेड़ा विधानसभा के विधायक संजय शर्मा के द्वारा किया गया था। और नरवारा पंचायत द्वारा बेहतर तरीके से काम किया जाए, ऐसी आवश्यकता है। वहाँ पर सहकर्मी है, उनको वेतन नियमित रूप से दिया जाए ताकि गौशाला का जो संचालन है वह व्यवस्थित तरीके से हो सके। नवनिर्वाचित सरपंच से मांग की है कि वह भी गौशाला का व्यवस्था पूर्वक संचालन कराएं और जो भी वहाँ पर सहकर्मी है वेतन का निराकरण करें। गाड़रवारा संवाददाता संकेत नाइक की रिपोर्ट। जो है ग्राम पंचायत नरवारा की अपने कीरखेड़ा गाँव में उपस्थित है। कीरखेड़ा गाँव में सरपंच साहब से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की हम सभी भाइयों को बधाई देते हैं और चाहते हैं कि कुछ आज हम गौशाला को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो गौशाला के बारे में जो है सरपंच महोदय हमको कुछ बताएं। सबसे पहले सभी ग्रामवासी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, उसके बाद सभी राष्ट्र हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जो गौशाला अभी संबंध गाय है सुचारू रूप से चल रही है और उनको विधिवत जो दाना है दाना भी दिया जा रहा है, उनको भूसा जो है विधिवत डॉक्टर के द्वारा ही चेकअप करवा के दिया जा रहा है ताकि हमारी जो गाय है सुरक्षित रहे। और आगे भी प्रयास रहेगा हमारा कि हम अच्छा से अच्छा यहाँ पे व्यवस्थाएँ कराएँ। जी नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ में हमारे पत्रकार हमारे मित्र यहाँ पर आए हैं गौशाला का निरीक्षण करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि देश का चौथा स्तंभ जब तक जागरूक नहीं होगा कि पब्लिक जागरूक नहीं होगी। आप गौशाला के यहाँ पर निरीक्षण किया मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी ग्राम पंचायत भी काफ़ी व्यवस्था कर रही है गौशाला के लिए। हमारे समूह के अध्यक्ष साहब जो भी काफ़ी व्यवस्थाओं में लगे हैं, मैं तो इतना निवेदन करूंगा कि गौ माता हमारी राष्ट्र की माता है, इसलिए हम सब लोग मिलकर इनकी अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें और यहाँ पर समय पर उन कर्मचारियों का भुगतान कर सकें, ऐसी हम एक योजना बना रहे हैं। सरपंच साहब भी बना रहे हैं और अध्यक्ष महोदय जी भी लगे हैं, सब लोग गौशाला में बहुत अच्छी। और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो गौओं का जो संचालन है अपने कीरखेड़ा स्थित अध्यक्ष साहब हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। बताइए इसमें अभी तक कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी, आज भी कर्मचारी की व्यवस्था नहीं थी हमें। अगर आज जानने के दो कर्मचारियों को मुक्ति दिया गया है, हम एम आई से हम जो भी लोग बड़ी फायदे कर रहे हैं, तो इसमें पेमेंट नहीं मिलता पंचायत द्वारा चल रही है और मैं अभी मनरेगा के हिसाब से भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। 20 महीने हमको पास कर दो मिले तब कोई पेमेंट हमको जारी नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें पहले 6 कर्मचारी थे वे लोग खोल खोल गए और अपने कोई 6 महीने किया, कोई 10 महीने किया, कोई साल का नहीं, कोई को तनख्वाह नहीं मिली, तो वो अपने अपने खोल के साथ बात करें बोले हमने हम जो कर्मचारी हम चला रहे हैं